दोस्तों, गोदी मीडिया के जरिए मुसलमानों को कैसे बदनाम किया जाता है, कैसे मुसलमानों के खिलाफ जो है प्रोपोगेंडा फैलाया जाता है, वो आप अक्सर देखते हुए नज़र आते होंगे। पत्थरबाज कौन है? तो भाई मुसलमान पत्थरबाज है। मुसलमान जो है हिंदुओं के धार्मिक रैलियों पर पत्थर बरसाते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, और जगह क्या होती है? मस्जिद का गेट, दरगाह का गेट, मुस्लिम बहुल इलाका, और वहाँ पर मुसलमान पत्थर चलाना शुरू कर देते हैं। मुसलमान पत्थरबाज होते हैं, ऐसे ही हेडलाइन के साथ जो है तमाम तस्वीरें दिखाई जाती हैं। अभी हाल ही के दिनों में रामनवमी पर जब हिंदुओं की तरफ से शोभा यात्रा निकाला गया था, तब ऐसे ही कोई पत्थरबाज करके मुसलमानों को खूब लपेटने की कोशिश की गई। मुसलमानों को पत्थरबाज कहकर संबोधित करना शुरू कर दिया गया था। सैकड़ों रैलियां गुजरती हैं दोस्तों, लेकिन इससे पहले कोई ऐसा पत्थरबाजी नहीं होता था। लेकिन आजकल कुछ तथाकथित गैंग के जो लोग हैं वो हमेशा ऐसे कामों में संलिप्त रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, ताकि मुसलमानों को बदनाम किया जा सके। लेकिन आज मैं रामनवमी की बात नहीं बल्कि ईद के नमाज की बात कर रही हूँ कि ईद के नमाज के दिन जब ईदगाह पर नमाज पढ़ा जा रहा था तो कैसे पत्थरबाजों ने पत्थर फेंका और उसका सर फोड़ दिया। वो खबर आपको किसी भी गोदी चैनल के चिंटू पिंटू जो लफंडर एंकर है वो नहीं दिखा रहे होंगे, ना ही बता रहे होंगे कि कैसे जो है मुस्लिमों के ऊपर पत्थर बरसाया गया, जिसमें एक मुस्लिम शख्स का सर फोड़ दिया गया। कहीं देखा आपने, बताया गया? ये चमन, अमीश और ये जितने भी आपके नफरती एंकर हैं जो एजेंडा के तहत खबर चलाते हैं, जैसे कि रामनवमी पर एक्टिव होकर दिखा रहे थे, मुसलमानों को कोसने का काम कर रहे थे, बदनाम करने का काम कर रहे थे, क्या वो ईद के नमाज पर जो इन नफरती चिंटुओं ने नफरत फैलाने का काम किया, पत्थर मारा ईदगाह के बाहर जाकर, मस्जिद के बाहर जाकर, ऐसी कोई खबर बताई गई या नहीं गई? नहीं बताई गई होगी, नहीं चलाई गई होगी, और ना ही बताया गया होगा कि ये पत्थरबाज जो है वो थे कौन, उनका नाम क्या था। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ईदगाह में ईद के दिन जब नमाज अदा की जा रही थी प्रयागराज में यानी कि इलाहाबाद में, तो उसी इलाहाबाद में कैसे जो है पत्थरबाजों ने पत्थरबाजी की है और उनके नाम क्या है। सबसे पहले मैं आपको दैनिक भास्कर की यह खबर दिखानी चाहूँगी दोस्तों कि पत्थरबाजी किसने की। तो दैनिक भास्कर की ये खबर है, आपको हेडलाइन पढ़कर मैं बता रही हूँ, स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि प्रयागराज में ईद की नमाज के दौरान पथराव, एक नमाजी का सर फूटा, पुलिस ने युवक को दौड़ा दौड़ा कर पकड़ा, 3 पर FIR की गई है। जी हाँ दोस्तों, प्रयागराज में जो है पत्थरबाजी हुई मुसलमानों के ऊपर, और कैसे पत्थरबाजी हुई है और कैसे उनका सर फोड़ दिया गया है, इसका शोरगुल कहीं से कहीं तक नहीं हो रहा है, नहीं बताया जा रहा है। प्रयागराज के मऊ आईमा थाना क्षेत्र में मऊदूसपुर ईदगाह में शनिवार को जब ईद की नमाज अदा की जा रही थी तो पुलिस की मौजूदगी भी वहां पर थी। जब नमाजी सजदे में गए तो उन पर ईंट और पत्थर बरसाने शुरू कर दिए गए, जिसमें एक मुस्लिम युवक का सर फट गया। पुलिस ने एक उपद्रवी को दौड़ाकर पकड़ा है। ईदगाह कमेटी के 3 नामजद और 1 दर्जन से ज़्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ तहरीर दर्ज किया गया, मुकदमा दर्ज किया गया। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। माहौल बिल्कुल शांतिपूर्ण है, किसी भी प्रकार का तनाव नहीं है, क्योंकि मुस्लिमों ने इसका जो रिएक्ट जो है नहीं किया, एक्शन का रिएक्शन जो होता है वो नज़र नहीं आया। वो चुपचाप ईदगाह में नमाज पढ़ने गए, और नमाज पढ़ने के दौरान कैसे इनका सर फोड़ दिया गया, कैसे इनके खून बहा दिए गए, इस पर कोई चर्चा नहीं। अब मैं आपको उनके नाम बताती हूँ। इन तीनों के नाम है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, इन तीनों नफरती चिंटुओं के नाम है यशवंत कुमार, अतुल कुमार और राहुल मौर्या, जिन्होंने पत्थरबाजी करनी शुरू की और पुलिस ने इन्हें दौड़ा दौड़ा कर पकड़ लिया। जी हाँ दोस्तों, इस खबर को सदफ़ आफरीन की तरफ से ट्वीट करते हुए लिखा गया है कि इलाहाबाद में 3 युवकों ने ईद की नमाज पढ़ रहे लोगों पर पत्थर फेंके। पत्थर लगने से मोहम्मद एवाद का सर फट गया। पुलिस ने पत्थर फेंकने वाले 3 युवक को पकड़ा, जिनका नाम यशवंत कुमार, अतुल कुमार और राहुल मौर्या, और उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने पत्थर फेंकने वाले 1 युवक को दौड़ा कर पकड़ लिया। ये लोग देश में अमन कायम नहीं होने देंगे, उम्मीद करती हूँ पुलिस ऐसे असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई करे। जी हाँ दोस्तों, कैसे सर फोड़ा गया
और सड़ फोड़ कर किस तरीके की जो साजिश रची गई वो आप सबके सामने। विनय दुबे लिखते हैं, पत्थरबाज कौन है? नाम देखिए ज़रा इन पत्थर वीरों के। प्रयागराज में ईद के नमाज के वक्त कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की, उसको पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ा और संगीन धाराओं में FIR रजिस्टर किया गया है। पत्थरबाज दिहाड़ियों के नाम है यशवंत कुमार, अतुल कुमार, राहुल मौर्य। धन्यवाद प्रयागराज पुलिस। जी हाँ, इसी तरीके से पुलिस का धन्यवाद किया जाना चाहिए कि ऐसे शख्स को पकड़ा पुलिस ने और उनका जो नकाब है वो लोगों के सामने उतार कर फेंक दिया कि कैसे ये नफरती जो है, नफरती नाग जो है, कैसे देश में नफरत फैलाने का काम करते हैं। मुसलमानों को बदनाम करने के लिए पत्थरबाज का टैग तो बहुत सारे थे गोदी मीडियाओं की तरफ से दिया गया, लेकिन क्या ऐसी खबरों पर टैग दिया गया है कि कौन पत्थरबाज है? रियल पत्थरबाज कौन है जो चैन और सुकून से नमाज पढ़ने वाले नमाजियों के ऊपर पत्थर बरसा रहा था? नहीं दिया होगा, कहाँ से देंगे? हिम्मत होगी नहीं इनकी दिखाने की कि रियल पत्थरबाज कौन है, सच में पत्थरबाजी कौन करता है और कौन देश में हिंसा भड़काने की काम करता है, कौन देश में नफरत फैलाने का काम करता है। उन चेहरों को पहचानिए, इन चेहरों को देखिए कि कैसे जो है इन नफरती लोगों का नफरत सर चढ़कर उबाल मारता है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ नेशन 360 को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।